हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अकु ज्ञान तक पर। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी और सिविक्स से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें और अपना उत्तर टाइमर के समाप्त होने से पहले दें। और अगर आप अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि वह भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सके। और वीडियो समाप्त होने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में जरूर लिखना। कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? डॉट ए गणतंत्र राज्य का प्रमुख वंशानुगत सम्राट होता है। बी संप्रभु संविधान लोगों की इच्छा पर टिकी हुई है। सी लोकतांत्रिक संविधान दूसरे देश के कानूनी वर्चस्व को मान्यता नहीं देता है। डी धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने स्वयं के किसी भी धर्म के बिना है। राइट। प्रस्तावना में कुछ आदर्शों का उल्लेख किया गया है जो पहली बार में लिखे गए थे। ए रावण के तट पर जवाहरलाल नेहरू का भाषण जब उन्होंने पूर्ण स्वराज का आह्वान किया। बी नेहरू की रिपोर्ट। सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अपनाया गया एक संकल्प। डी संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य संकल्प। राइट। संविधान का वह हिस्सा जो फ्रेमर के दिमाग और आदर्शों को दर्शाता है। ए निर्देशक सिद्धांत। बी मौलिक अधिकार। सी प्रस्तावना। डी नागरिकता। राइट। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है? ए एक लिखित और कठोर संविधान। बी एक स्वतंत्र न्यायपालिका। सी केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का निहित। डी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। राइट। भारतीय संविधान इस प्रकार है। ए संघीय। बी एकात्मक। सी संसदीय। डी संघीय रूप में और एकात्मक भावना में। राइट। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांस्कृतिक और शैक्षिकी अधिकार प्रदान किए जाते हैं? ए अनुच्छेद 29 और 31। बी अनुच्छेद 29 और 32। सी अनुच्छेद 29 और 30। डी अनुच्छेद 30 और 31।
राइट संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है? ए. अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी. बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, सी. आजादी आजादी से चलने की, डी. प्रेस की स्वतंत्रता। राइट संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित है। ए. मौलिक अधिकार, बी. कानूनी अधिकार, सी. संवैधानिक अधिकार, डी. प्राकृतिक अधिकार। राइट अगर किसी भारतीय नागरिक को उसके धर्म के कारण सार्वजनिक पद से वंचित नहीं किया जाता है तो उसे निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा नकार दिया जाता है? ए. स्वतंत्रता का अधिकार, बी. समानता का अधिकार, सी. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, डी. शोषण के खिलाफ अधिकार। राइट अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक स्वतंत्रताएं आपातकाल के कारण निलंबित हैं। ए. युद्ध या बाहरी आक्रमण, बी. राज्य की संवैधानिक मशीनरी की विफलता, सी. आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, डी. वित्तीय संकट। राइट मौलिक अधिकारों के सिद्धांत का अर्थ है। ए. लोगों की संप्रभुता, बी. सभी के लिए अवसर की समानता, सी. सीमित सरकार, डी. कानून से पहले सभी की समानता। राइट धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध आदि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मौलिक अधिकार के तहत वर्गीकृत है। ए. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी. शोषण के खिलाफ अधिकार, सी. सांस्कृतिक और शैक्षिकी अधिकार, डी. समानता का अधिकार। राइट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। ए. केवल सुप्रीम कोर्ट में, बी.
केवल उच्च न्यायालय में सी या तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में डी पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में। राइट। निम्नलिखित में से कौन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? हैं। एक, मनुष्यों में जाल का निषेध और जबरन श्रम। दो, मादक पेय के औषधीय प्रयोजनों और अन्य दवाओं के सेवन को छोड़कर जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। डॉट ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों में एक और दो, डी न तो एक और न ही दो। राइट। भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? ए धर्म, बी जाति, सी जनसंख्या, डी रंग। राइट। मौलिक व्यक्ति हैं। ए केवल राज्य कार्रवाई तक सीमित है, बी का मतलब निजी व्यक्तियों के आचरण के खिलाफ व्यक्तियों की रक्षा करना है, सी का मतलब पुलिस कार्रवाई के खिलाफ व्यक्तियों की रक्षा करना था, डी उपरोक्त सभी सही हैं। राइट। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। ए भारत के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति, बी भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिक, सी सभी व्यक्ति भारत में अधिवासित हैं, डी सभी व्यक्ति प्राकृतिक के साथ साथ कृत्रिम भी। राइट। भारत के संविधान की किस अनुसूची में कई राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान हैं? ए तीसरा, बी पांचवां, सी सातवां, डी नौवां। राइट। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसके अभ्यास के अनुसार दंडनीय है। ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 15-4।
राइट कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल करें। बी अंतरात्मा की स्वतंत्रता सिखों द्वारा किरपान पहनने और ले जाने का अधिकार शामिल करें। सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी व्यापार या व्यवसाय को करने का अधिकार शामिल करें। डी समानता का अधिकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करें। राइट जहां तक बलों का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार हैं। ए बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। बी सशस्त्र बलों के लिए उपलब्ध है लेकिन अन्य बलों के लिए नहीं। सी केवल सेना के कर्मचारियों के प्रमुख के विवेक पर उपलब्ध है। डी संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार ही उपलब्ध है। राइट शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो अधिकार से मुक्त है। ए अनुच्छेद 19 एक क के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी संस्कृति और शिक्षा अनुच्छेद 29 और 30 के तहत। सी अनुच्छेद 21 के तहत 3 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। डी कानून के समक्ष 4 समानता और अनुच्छेद 14 के तहत कानून की समान सुरक्षा। राइट संविधान हमारे देश का नाम इस प्रकार है। ए भारत। बी भारत यही भारत है। सी हिंदुस्तान। डी आर्यावर्त। राइट संविधान प्रदान करता है कि हिंदी होगी। ए भारत की राष्ट्रीय भाषा। बी राज्य सरकारों के बीच संवाद की भाषा। सी भारत संघ की आधिकारिक भाषा। डी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच संवाद की भाषा। राइट
किसी भी कारखाने या खान में रोजगार के लिए न्यूनतम अनुमेय आयु क्या है? ए 12 साल, बी 14 साल, सी 16 साल, डी 18 साल। राइट।